जय बाबा केदारनाथ। जितने भी भक्त 2024 में केदारनाथ यात्रा पे जाना चाह रहे थे उनको इंतजार था कि आखिर कब घोषणा होगी, कब से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। जैसा कि आप सभी को पता है शिवरात्रि वाले दिन इसकी घोषणा की जाती है, तो कल शिवरात्रि के दिन इसकी घोषणा हो चुकी है और इस बार केदारनाथ यात्रा के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं 10 मई अक्षय तृतीया के दिन। कई सालों बाद ऐसा होने वाला है कि जब अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, तो 10 मई से यात्रा शुरू हो जाएगी और 10 मई को ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाएंगे और 12 मई को खोले जाएंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो जो लोग यात्रा पे जाना चाहते हैं अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं और जो लोग बाबा की जो डोली उठती है ऊखी मठ से, ऊखी मठ वही स्थान है जहां पे केदारनाथ मंदिर के कपाट जब 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तो यहीं पे बाबा केदारनाथ विराजमान होते हैं। डोली के साथ मंदिर के जब कपाट बंद होते हैं नीचे ऊखी मठ आते हैं और इसी मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं तो फिर यहीं से डोली पहुंचती है केदारनाथ मंदिर तक। तो अगर आप बाबा की डोली यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आखिर कैसे आप शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से दिन आप कहां कहां पहुंचते हैं इसकी भी जानकारी मैं आपको लगे हाथ दे देता हूं। और आगे वीडियो में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है भक्तों को केदारनाथ यात्रा के लिए, चारुधाम यात्रा के लिए। तो कैसे आप कर पाएंगे, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो इसकी जानकारी भी मैं आगे आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भक्त डोली के साथ केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो जो भक्त बाबा की डोली के साथ केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहता है उनको सबसे पहले पहुंचना होगा ऊखी मठ। ऊखी मठ में ही पंच केदार की गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर बना हुआ है, यहीं पे 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा होती है, तो यहीं से डोली उठेगी। इसके लिए 5 मई को ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा पाठ होगी, उसके बाद 6 तारीख को डोली उठेगी, जाएगी गुप्त काशी। और ये जो यात्रा होती है आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो 6 तारीख को डोली उठने के बाद पहुंचती है गुप्त काशी। गुप्त काशी में आपको एक नाइट का स्टे करना पड़ेगा, तो अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे गुप्त काशी में, आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और जो डोली यात्रा होती है उसमें भीड़ भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद 7 मई को डोली गुप्त काशी से उठेगी और फाटा तक जाएगी। फाटा में एक नाइट का स्टे करती है डोली। डोली वाले जितने भी साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, लोकल लोग होते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है जब डोली उठती है। एक बार आपको इस डोली यात्रा में जरूर शामिल होना चाहिए। उसके बाद 8 मई को फाटा से डोली उठेगी और जाके रुकेगी गौरी कुंड में, गौरी माता मंदिर में। गौरी माता मंदिर में डोली पहुंचती है और यहाँ पे भी एक रात का विश्राम करते हैं सभी लोग। और उसके बाद 9 मई को गौरी कुंड से सुबह सुबह यात्रा शुरू होगी डोली की और पहुंच जाएगी केदारनाथ धाम मंदिर। केदारनाथ धाम मंदिर में भी 9 तारीख को सभी भक्तजन नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद 10 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे पूरी पूजा अर्चना के साथ, बहुत अच्छे माहौल के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। और जो लोग सिर्फ केदारनाथ धाम मंदिर कपाट ओपनिंग सेरेमनी देखना चाहते हैं वो लोग भी अपनी यात्रा 9 तारीख की मान के चले, मतलब 9 तारीख को शाम तक उनको केदारनाथ मंदिर पहुंच जाना है, तभी वो 10 तारीख को सुबह सुबह यात्रा में शामिल होकर बाबा केदारनाथ मंदिर की कपाट ओपनिंग सेरेमनी देख पाएंगे, जो कि बहुत ही भव्य होती है और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ थी बर्फबारी की वजह से, लेकिन अधिकतम लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे और कपाट ओपनिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए थे। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो लोग 10 तारीख को बाबा के कपाट ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक जरूरी चीज है कि इस समय आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। केदारनाथ यात्रा पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रुकने की व्यवस्थाएं भी आपको बहुत कम देखने को मिलने वाली हैं और कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगर आखिरी साल जो बीत गया है 2023 में बात करें तो काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। तो अगर आप सिर्फ केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको 10, 11, 12 3 दिन के बाद अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। और अगर आप कपाट ओपनिंग सेरेमनी देखना चाहते हैं तो फिर आपको 9 तारीख को शाम तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाना है। अगर रुकने के लिए बात करते हैं यहाँ पे आपको 400-500 रुपए में टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और अगर आप रूम लेते हैं तो भाई रूम 2000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक भी मिलने वाले हैं 10 मई को अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा जरूरी चीजें अपने साथ रेनकोट और छाता जरूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बर्फबारी बहुत हुई थी लेकिन इस बार मई में कपाट खुल रहे हैं तो ये मुश्किल है कि बर्फबारी आपको देखने को मिले, फिर भी आप पूरी तैयारी से ही केदारनाथ की यात्रा करिए। और इसके अलावा आपका अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। कई लोग बता रहे हैं 1 से 2 दिन में यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि 1 से 2 दिन में यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद है कि 15 मार्च के बाद से यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए और जैसे ही यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे आपको एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे दे दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है। और जिन लोगों को ऑनलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वो लोग हरिद्वार पहुंचने के बाद, ऋषिकेश पहुंचने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से करा सकते हैं। यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आती। कई बार आपने देखा है कि लोग इशू बनाते हैं कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है चारों धाम यात्रा पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सिर्फ केदारनाथ यात्रा जाना चाहते हैं उनको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलने वाली है, और जो लोग चारों धाम की यात्रा करना चाहते तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में इतनी ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। सिर्फ केदारनाथ मंदिर जहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी उतनी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलने वाली है जितना कि आपको बताया जाता है। तो आप आराम से जाके अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के जो 2 से 3 दिन है इस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत से भक्त, जो बता चुका हूं मैं पहले भी, यात्रा की शुरुआत में कपाट ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं, इस वजह से 3-4 दिन आपको भीड़ बहुत देखने को मिलने वाली। तो आप स्टार्टिंग में 3-4 दिन छोड़ के अपनी यात्रा कर सकते हैं, फिर आपको जुलाई अगस्त यात्रा नहीं करना है बरसात के समय में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप बहुत आराम से केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और चारों धाम की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस साल 2024 में केदारनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जो लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो नहीं आई है, और ना ही ऑफिशियल तरीके से इसका अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि ये नवरात्रि जब चालू होगी तब इसका अनाउंसमेंट होता है, तो नवरात्रि आने में अभी काफी दिन है, तब अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद ही गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो निकल के आएगा, तब यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो 15 मार्च के आसपास से शुरू हो जाएगी, और जैसे शुरू होगी उसका वीडियो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा केदारनाथ जाने वाले भक्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.